सूरज। सूरज, मैं दिन भर कचरा उठा उठा के बड़ी मुश्किल से तेरे लिए एक निवाला जुटा पाता हूँ, और तू है क्या हमेशा अपने दोस्त को साथ में लाता है? उसकी उसकी मजबूरी तो मुझ पे क्यों थोपता है? बाबा, मेरे पास तो आंख है, उसके पास तो कोई नहीं। हम आपस में बांट कर खा लेंगे। वारे दोस्ती। यही है साला भिखारी, पानी पीने के बहाने होटल के अंदर घुसा और फिर ढूंढपाव चुरा के भाग गया। पकड़ो साले को। क्यों बस साले, हरामी चिंदी चोर चोरी करता है और हराम की खाता है। तूने मेरे भूखे बच्चे को मारा। माचिस तो है नहीं, चलाएंगे कैसे? और पैसे भी नहीं है। एक पैकेट फाइव फाइव, एक माचिस। बाबा की कसम, आज के बाद हम भूखे नहीं रहेंगे, कभी नहीं। हाँ सूरज, हाँ। दिमाग खराब हो गया तेरा, भूसा भरा है तेरी खोपड़ी में। टोपी उठाने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल रहा था, पकड़ा गया होता तो क्या जरूरत थी टोपी उठाने की? वो टोपी मेरे यार की थी, और मैं अपने यार की कोई भी चीज सड़क पर कैसे छोड़ सकता हूं? बोल, यारी बड़ी या जान? मुश्किल से मिलता
ना कभी छूटेगा। स्टार्ट रख, मैं भी आया। सवाल क्या? हाँ। सूरज टाइम क्या चाहिए अमर? बोल क्या चाहिए। अरे जल्दी बोल क्या चाहिए।
अरे भाई इसमें जल्दी की क्या बात है, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। अंकल टाइम क्या हुआ है? 12:15 यानी के 11:45। हमारे पास तो बहुत वक्त है अंकल। सूरज एक एक ठंडी ठंडी बियर हो जाए। अरे हाँ एक एक बियर तो जरूर पी सकते हैं क्योंकि अभी तक सोमवार है और 15 मिनट के बाद मंगलवार हो जाएगा और मंगलवार को है ना हम दोनों दारू कभी नहीं पीते, इसलिए हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है और 15 मिनट के अंदर आप दो ठंडी सी बियर दे दीजिए। अरे वाह कमाल हो गया, इतनी जल्दी दो ठंडी बियर, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल बिल बनाना। बनाता है ना, चिल्लाता काई को है। सलाम साहब। सलाम। हाईवे पर भल्ला के पेट्रोल पंप पर चोरी हुई है और उसके आदमी पर भी हमला हुआ। तुम दोनों कौन हो? दोस्त। दोस्त हम दोनों कोटवाड़ी में रहते हैं जी। हाँ और हमारी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई। बाहर खड़ी। उठो उठो साहब। चोरी कितने बजे हुई साहब? ठीक 12 बजे हुई। तुम दोनों यहाँ कब से हो? जी ये दोनों तो 12:15 से यहाँ बैठे हैं साहब। अच्छा हुआ अंकल तुम गवाह हो, वरना ये दोनों बेचारे तो फंस सकते थे। अच्छा हम चलते हैं, किसी पर भी शक पड़े तो हमें फौरन इत्तला कीजिए। जी सर। चलो। चल चलते हैं। ये क्या है भाई? ये जीने का असली तरीका है। सामने वाला चाहे कोई भी हो अपने आप ही झुक जाता है। हे अमर, उस आदमी की उंगलियों में असली हीरो की अंगूठियां देख रहा है ना तू? सूरज क्या करेगा ये दौलत और शान और शौकत की जिंदगी लेकर? हाँ अपनी जिंदगी बुरी है क्या? कोशिश करूं तो मैं इससे भी बड़ी चीज बन सकता हूं। कोई फायदा नहीं है इन सपनों को देखने से सूरज, बेकार है। सपने होंगे तभी तो हकीकत में बदलेंगे यार। अच्छे सपने देखना बहुत जरूरी है। आज के बाद मैं असली अंगूठी पहनूंगा। सावन साहब देखो कौन है। क्यों बे? क्या जाता तुम्हें? कहां थे इतने दिनों तुम? हैं? और मैं पूछता हूं कॉलेज में माल क्यों नहीं पहुंचा अब तक? वो तेरा बाप पाशा कितना नाराज है तुमसे पता तुम्हें? मुझसे नहीं होता, नहीं होता मुझसे। मैं आप लोगों का ये धंधा छोड़कर जाना चाहता हूं। आप कह दो पाशा भाई से बस मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। जाना चाहता है? हाँ। जा जा चला जाना, रोकता कौन है तुम्हें। लेकिन अगर तू चला गया तो ये कोकीन तुझे तेरा बाप देगा। है? मुझे दे दो, थोड़ा सा मुझे दे दो। अगर तू काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, समझा? और एक बात और सुन ले,
अब तू यहीं जिएगा, तू हमें छोड़ के जा ही नहीं सकता। तू अब तक जिंदा है ना जो, वो मेरी वजह से, वरना पाशा ने तो तेरा कब का बंदोबस्त कर दिया था। अब ये फैसला तेरे हाथ है, तुझे क्या करना है, है? तुमको क्या करने का है? माल एकदम असली है, मांगता है क्या? कितना माल रहे? बहुत बहुत। ये बताओ पैसे कितने दोगे? आने का, मेरे साथ आने का। क्या रहे तुम, सबके सामने ऐसा पैकेट फेंक रहे हो, तुम पागल हो तुम? देख रहा है तुम्हारा माल हम बेच के देंगे, बेच के देंगे बोलेंगे तो हम खरीदेंगे नहीं, बट तुमको खरीदने वाले के पास लेके जाएंगे। बोल क्या बोलता? क्यों मार? सोचने का क्या रहा? बोलना। कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं रहा, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है। जी हाँ जी साहब। सलाम साहब। हाँ हाँ, आने करे साहब, माल पहुंचा दिया है। आने करे, एक घंटे पहले। सेट सेट रहा, कंफर्टेबल है, सेट सेट बैठ। भैया मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल निकल चलते हैं। ऐसी बातें मत कर, चुपचाप बैठा रहे। जान अगर आज ये माल सही दाम से बिक गया तो जिंदगी भर के लिए माला माल हो जाएंगे हम लोग, समझा? तू समझता है माला माल होना बहुत आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। माला माल होना दूर की बात है मेरे भाई, लगता है जान भी गई। जान? हाँ। कहीं तू अफीम खाकर तो नहीं आया? क्या बकबक कर रहा है, कौन मारेगा हमें? मैं तो सिर्फ बकबक कर रहा हूँ, तेरी तो बोलती बंद हो जाएगी। उधर देख, देख। अमर अब क्या करें? मुझसे क्या पूछता है, सपने तो तुझे देखने का शौक है ना, बड़ा आदमी तुझे बनना है। सूरज मैं तेरे साथ नहीं हूं। हाँ नहीं अमर। अरे क्या भाई, मरवा दिया ना? दाद देता हूं मैं तुम दोनों की हिम्मत की, हमारा माल चुरा कर हामी को बेचने आए हो। वाह, तुम जानते हो तुम दोनों की मौत तुम्हें यहां खींच लाई है? हाँ जी साहब, हम दोनों को मालूम था कि ऐसा काम करते करते हम दोनों एक ना एक दिन जरूर मारे जाएंगे। साहब मुझे पता था कि ये जरूर मरवाएगा एक ना एक दिन। साहब हम लोगों ने तो सोचा था कि हमारी लावारिश लाश किसी रेल की पटरी या सड़क के किनारे या फिर किसी गंदे से कचरे के डब्बे में मिलेगी जी, मगर ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी आलीशान जगह हम। हाँ साहब, हमारी औकात ही नहीं है इतनी अच्छी जगह मरने की। साहब मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों छोटे मोटे चिंदी चोर हैं साहब,
साहब आपको क्या लगता है, हम दोनों गए या अभी भी हमारी जिंदगी? चल दोस्त, अब तो अगले जन्म में ही मिलेंगे। खबरदार जो तूने मुझे अगले जन्म में मिलने की कोशिश की। साहब जल्दी से गोली मार दीजिए, अब और मत डराइए। जरूर मार देता, खत्म कर देता तुम दोनों को, अगर तुमने एक बात ना देखी होती। मैंने जानते हो क्या, ये दोनों लड़के मौत के मुंह में खड़े हैं फिर भी इन्हें मजाक सूझ रहा है। फौलाद का सीना इनका, हमारे लिए काम करोगे? जिंदा या मुर्दा साहब? मजाक बंद करो, हमें तुम्हारे जैसे आदमियों की जरूरत है, हमारे लिए काम करोगे? साहब ये हाथ नीचे कर लो। हाँ जरूर करेंगे साहब। गुड, गाड़ी तो तुमने पहले चुरा ली थी, ये रहा 10,000 रुपया ले लो, और ये रही फ्लैट की चाबी, जाओ ऐश करो। हाँ कल मैं तुम दोनों को पाशा से मिलवाने ले जाऊंगा, तब तक जाओ मौज करो मस्ती करो। जाइन साहब जाओ। अच्छा राम कह रहे तुम, चुप करे। लोगों को पहचानने की समझ मुझ में तुझसे ज्यादा है, समझे? माचिस दू क्या? ए बुड्ढा चल गाड़ी हटा चल। अबे हट, माचिस देगा। अरे अरे गाड़ी खराब भी हो सकती है, तू रिवर्स डाल हम पीछे से निकलते। अमर आज के बाद जिंदगी में अपना रिवर्स गियर कभी नहीं लगेगा। जेंटलमैन, गुड इवनिंग। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। वैसे आप तो जानते हैं कि संगीत की दुनिया में कोई भी ऐसा लोकप्रिय गीत नहीं है जो मैं नहीं गा सकती, क्यों ना आप भी आजमा लें? और हाँ, अगर आप में से किसी ने भी ऐसे गीत की फरमाइश की जो मैं नहीं गा सकती, तो उस खुशनसीब मेहमान को हमारे तरफ से एक शैंपेन की बोतल तोहफे के तौर पर दी जाएगी। तेरा काम हो गया मेरे भाई, मंगा ले शैंपेन। कहिए पहली फरमाइश किसकी है? जी मेरी। जी बोलिए कौन सा गाना है? वो जी एक बहुत अच्छा सा युगल गीत है। एक्सक्यूज मी। मैडम के लिए। फंसे, तूने लिखा क्या है? अरे इसको छोड़, फंस गई, मैं बता रहा हूं फंस गई, आज अपनी शैंपेन पक्की है। हाँ? पूछ रही है? पूछने दे, फंस गई बता रहा हूं। देख किसी को नहीं पता, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। जेंटलमैन क्या आप बता सकते हैं ये गाना किस फिल्म का है? किसका भाई? हसीनों का आईना। बोल दे हसीनों का आईना। हसीनों का आईना जी। ओ हसीनों का आईना। हाँ जी। आपको अगर एतराज ना हो तो आप खुद यहाँ आकर ये गाना सुनाएंगे। शैंपेन तो गई भैया, तू भी फंस गया। हाँ जी गा सकता हूँ, मगर एक शर्त पे, अगर आप मेरे साथ गाएं तो। मंजूर है? मंजूर। मैं तेरे साथ नहीं हूं। हाँ
क्यों भैया मैनेजर साहब, आप ताली वाली नहीं बजाएंगे क्या? आप ताली कैसे बजाएंगे? आपका तो मेरे यार ने घाटा करवा दिया है ना। अरे अपना क्या घाटा, इस बोतल के खर्च के पैसे उस लड़के की तनख्वाह से कटेंगे। कम इन। अब क्या चाहिए तुम्हें? जी चाहिए तो कुछ नहीं, बस आपको सच बात बताने आया हूं। जानती हूं, यही ना, जो फरमाइश आपने की थी वो झूठी थी। जो गीत हमने गाया वैसा कोई गीत है ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि मेरे मजाक का अंजाम आपको तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं आपसे मजाक ही नहीं करता, इसीलिए आपसे माफी मांगने आया हूं। ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। अब जाइए,
मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अगर आपने मुझे माफी कर दिया तो एक बात और मान लीजिए मेरी। वो क्या? क्या मैं आपको घर छोड़ने की गुस्ताखी कर सकता हूं? प्लीज। अगर साथ ही अच्छा हो तो सफर भी कितनी जल्दी कट जाता है। इस बात का एहसास मेरी तरह शायद आपको भी हो रहा होगा। हाँ, इस वक्त काफी रात हो चुकी है, इस बात का एहसास शायद आपको भी हो रहा होगा, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए, है ना? ओह, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप ही हो रहा है जी। थैंक्स। एक मिनट, क्या हुआ? ये आपकी पलक का एक बाल, सुना इसे आंख बंद करके फूंक मार के जो भी मांगो वो मुराद पूरी हो जाती है। मांगिए ना। ओके। अब ये मत पूछना कि मैंने क्या मांगा। अच्छा चलिए, एक दिन आप खुद ही बता दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट एंड थैंक यू। बाय। दीदी नहीं विक्की, चाहे कुछ भी हो जाए मगर मैं तुझे अपने हाथों से जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं दूंगी, समझे? दीदी मुझे पैसे देना। नहीं, देना पैसे, नहीं, पैसे देना दीदी, मेरी बात पैसे सुनो। देना दीदी, दीदी मुझे पैसे दे। नहीं तो तेरा गला काट डालूंगा। पैसे मुझे इस नशे की लत से छुड़वा दो निशा, मैं पागल हो जाऊंगा, जानवर हो गया हूं मैं। नहीं, मुझे मुझे बचा लो निशा, मुझे मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, मैं मर जाऊंगा निशा। नहीं विकी, ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम तो नहीं सो सकते भाई इस डनलप के बिस्तर पे, हम जमीन पे ठीक हैं। बारे किस्मत, जिंदगी भर जिस चीज के लिए तड़पते रहे आज मिली तो उसे ठोकर मार दी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई एक कहावत नहीं सुनी तुमने, अगर खाट पर से गिरने से बचना है ना तो जमीन पर ही सोना चाहिए। हाँ सूरज, ये जो अपनी कल पाशा से मीटिंग है ना यार, डर लगता है कहीं किसी गलत गाड़ी पे तो नहीं चढ़ रहा है। अरे भैया, फुटपाथों पर ठोकरे खाने से तो अच्छा है किसी ना किसी गाड़ी में बैठ जाओ, साली कहीं ना कहीं तो ले जाएगी। तो जा, बस गलत ना ले जाए हमें कहीं। अपने आदमी है, आने दो।
तुम्हारी कुंडलियां तैयार है। क्या देख रहा है सूरजमुखी? आपकी अंगूठियों को बहुत खूबसूरत है। वाह, चेहरे पे तेज है इसलिए हीरो के तेज को समझता। ऐसी परख अपने धंधे में रखेगा, इस्तेमाल करेगा तो वहां से यहां तक पहुंच जाएगा, समझे? ये बात तुम्हारे दोस्त को समझ में आ गई है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है। आप फिक्र मत कीजिए पाशा भाई, आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। बस आप एक मौका तो दीजिए। तू भी फिक्र मत कर, जिस काम के लिए सामान तुझे लेके जा रहा है उस काम के भी सिर्फ दो ही अंजाम हैं, या तो इस कारोबार में हमेशा के लिए प्रवेश या फिर इस दुनिया से हमेशा के लिए प्रस्थान। अमर, मैं सोचता हूं कि इन पैसों को गाड़ी के डिक्की में रहने देते हैं। मैं अंदर जाता हूं, अगर 15 मिनट से ज्यादा देर हो गई तो समझना कुछ गड़बड़ है। संभाल के सूरज। चल कृष्णा। आइए आइए ना। ओके बंधु, अगर ये दरवाजा खुला रहे तो आपको कोई एतराज तो नहीं? बेकार में मेरे साथी को परेशानी हो जाए। हाँ कोई बात नहीं, आओ। मेरी फ्रेंड से मिलो, सपना। कुछ चाय ठंडा पियेंगे आप? जल्दी से धंधे की बात कर लें। हाँ धंधा बहुत जरूरी है। पैसा लाए हो? पैसा? माल कहाँ है? माल? माल यही यही कहीं करीब है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है, पैसा भी यही कहीं करीब ही है। नीचे गाड़ी में है ना? गाड़ी में नहीं है। हेलो आप? अरे आप, आप यहाँ? आज फिर लिफ्ट मिल सकती है? जरूर मिल सकती है, लेकिन वो क्या है कि मेरा दोस्त सूरज है ना, जो उस दिन मेरे साथ आया था, वहाँ उस घर में गया हुआ है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? मैं भी इंतजार कर लेती हूँ। क्या है कि मुझे टैक्सी नहीं मिल रही है? वो क्या है कि वो किसी समय भी आ सकता है। अच्छा, उसको देर भी लग सकती है, इसलिए मुझे, मैं मजबूर हूँ उसका, मुझे इंतजार करना पड़ रहा है। नहीं तो सारे तेरे दोस्त को काट के रख दूंगा। अगर तूने इसको हाथ लगाया ना तो तेरी गर्दन काट के तेरे हाथ में दे दूंगा कुत्ते। ऐसा क्या? मरेगा साले मरेगा, तेरा दोस्त आज मरेगा। तुमको बोला था ना, बता पैसा कहाँ है? तू नहीं बोला ना? नहीं बोला ना? अब देख, देख अब। सूरज देख, बता बता बेटे पैसे कहां रखे हैं तूने? बच्चों, अब तो तेरा बाप भी बताएगा कि पैसे कहाँ हैं।
मैं ठीक हूँ, तू जा पकड़ उसे। शहर में फिर से ड्रग वॉर जोर पकड़ रही है, और अगर इस हादसे के पीछे किसी की मौत है तो वो पाशा की। चलो पाशा से मिलते हैं। मेरे सूरज की कामयाबी के लिए एक जाम मेरी ओर से। क्या कमाल का काम किया, कमाल का काम किया। माल भी लिया और पैसे भी लिया। वो क्या बोलते हैं उसे, चित भी मेरा पट भी मेरी। पाशा भाई, अगर अमर मेरे साथ नहीं होता तो ये काम मैं नहीं कर पाता। अरे ये तो अमर था इसलिए मैं। सुना है तुम्हें गोली लगी? जी छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। भाई साहब, इस काम की कामयाबी के लिए अमर और सुरक दोनों को मेरी ओर से 5 लाख का इनाम। समझ गया। चलता हूं। कहां जा रहा? ठहरना, इतनी जल्दी क्या तुझे? निशा से मिलने जा रहा हूं। छोड़ना यार, एक लड़की के लिए इतनी अच्छी जगह छोड़ के जा रहा है। देख पाशा भाई बुरा मान जाएंगे, आज मत जा। तू तो यहाँ है ना, संभाल। मैं करूंगा सब पूरा इंतजाम। कहाँ रहे तुम यार? क्या हुआ है? इधर ही गया होगा, आ जाएगा जल्दी। अच्छा ये सब अचानक चुप क्यों हो गए पाशा? सबको सांप क्यों सूंघ गया? मैं तो ऐसे ही अकेले में तुमसे कुछ बातें करने आया था, क्या हो गया ये? हमारा ऐसा नसीब कहा कि आप जैसा ऑफिसर हमारी पार्टी में आए और हमारे साथ बैठकर शराब पिए। कभी हमारे साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर देख लीजिए कोतवाल साहब। पाशा, तुम हमेशा मेरे दुश्मन थे, दुश्मन हो और दुश्मन रहोगे जब तक मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद ना कर दूं। बस जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया उस दिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। और तुम सब जो पाशा के साथी हो, एक बात याद रखो, मेरा नाम कोतवाल है और मैं तुम सबका दुश्मन हूं। नया रंग रूट लगता है। अरे क्या हो गया यहां? सीढ़ियों से गिर गया। क्या? सीढ़ियों से गिर गया। पाशा, जब मैं बच्चा था और मेरे स्कूल में मारपीट हो जाती थी और मुझे चोट लग जाती थी तो मेरी माँ पूछती थी कि क्या हो गया, तो मैं कहता था मैं सीढ़ियों से गिर गया। कोई नया बहाना सोचो, नहीं तो पछताओगे। बस मैं यही कहने आया था कि मुझे तुम्हारे खिलाफ जिस दिन कोई सबूत मिल गया उस दिन मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। Cheers. मैनेजर साहब, आपको मैंने 15 दिन पहले कहा था कि मुझे 5,000 की सख्त जरूरत है, आप कुछ भी करके मुझे पैसे दिला दीजिए। पैसे तुम्हें मिल सकते हैं निशा, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। कहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक पार्टी आई है दुबई से, अपने होटल सीसीओर में ठहरी हुई है,
उनके रूम में जाकर तुम्हें गाना होगा, वो लोग तुम्हें मालामाल कर देंगे। क्या आपने मुझे तवायफ समझा है कि मैं किसी अमीर के कमरे में जाके गाऊंगी? शर्म आनी चाहिए आपको। पैसे की जरूरत तुम्हें है निशा, सोच लो। कोई जरूरत नहीं है निशा अपने आप को नीचा गिराने की। पैसे मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन सवाल मत करो निशा, चलो मेरे साथ। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? फैसला निशा करेगी। फैसला हो चुका है मैनेजर साहब, ये आज और इसी वक्त आपकी नौकरी छोड़ के जा रही है, और मैं इनका कौन लगता हूं ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। चलो निशा आओ। पूछोगे अमर कि ये पैसे मुझे क्यों चाहिए? नहीं निशा, निशा आई लव यू अमर। हेलो, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। यस, मैं डॉक्टर बशीर बोल रहा हूं, मुझे इंस्पेक्टर खान से बहुत जरूरी बात करनी है। विकी, विकी, ये है इंस्पेक्टर खान, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। हेलो विकी, What can I do for you? इंस्पेक्टर साहब, मैंने फैसला कर लिया है कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं पाशा और उसके आदमियों के खिलाफ सारी गवाही दे दूंगा। हेलो, किसका फोन है? सुल्ताना बाई का फोन। वो लाइन पे ऑनली उसका फोन आता। कौन है ये सुल्तान भाई? आज तक कोई उसको देखा नहीं रे, कोई चुआ नहीं। ऑनली पासा भाई, उसका आवाज सुना बस। बहुत बड़ा रे वो, बहुत बड़ा बोले तो पासा भाई से भी बड़ा। ये सब कारोबार उसका। देख लिया, देख लिया, देख लिया है काले कपड़े पहनने का नतीजा। आज क्या दिन है? क्या दिन है आज? मंगल। समय 4:25। मुझे यकीन था, मुझे यकीन था ये राहु काल चल रहा है, इसलिए तो इतनी बुरी खबर आई है। वो तुम्हारा लड़का था ना विकी, माल की हेराफेरी करता था, वो पुलिस का मुखबिर होने वाला है, कोर्ट में जाकर गवाही देने वाला है। हम सब मरे, हम सब मरे। मैंने तेरे को बोला था ना, तेरे को बोला था ना कि उसको खत्म कर डाल। तो हाथ खोल के खड़ा रहे, हाथ खोल के खड़ा रहे। अशुभ है। और तू वो कोर्ट में जाकर गवाही दे, उससे पहले उसको खत्म कर डालो, नहीं तो हम सब लंबे चक्कर में फंसेंगे, समझा? लेकिन लेकिन पास भाई, उसका पीछे इंस्पेक्टर कोतवाल का बहुत बहुत बिग पैर, उसका काम खत्म करना बोले तो बहुत बहुत नामुमकिन। नामुमकिन कोई काम नहीं है। उस लड़के की कोई तस्वीर है हमारे पास? तुम अभी बच्चे हो, उसे मारना मामूली बात नहीं। तस्वीर है हमारे पास? ये वो लड़का है। काम हो जाएगा पाशा भाई, चाहे जितना पुलिस का पैर हो, ये लड़का कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। 4:30 राहु काल खत्म हो गया, मुझे मालूम था ये काम हो जाएगा।
सूरज, तुम्हारे नसीब में राजयोग है, राजयोग। तुम विकी को खत्म कर डालो, मैं तुम्हें वो पैलेस होटल चलाने दे दूंगा। लेकिन वो तो मेरा है। तेरा? तेरे नसीब में दरिद्र योग है, तू दरिद्र ही रहेगा और दरिद्र ही मरेगा। और पहनो काले कपड़े। तेरा तुम्हारी यासी मैं कभी नहीं भूलूंगा, याद रखूंगा इसे। क्यों बे, इतनी जल्दी में किस लिए बुलाए? अमर, हाँ बैठ। अमर सोच, ये सारा का सारा पैलेस होटल तेरा और मेरा हो सकता है। क्या बोल रहा है? हाँ अमर, ये पूरा पैलेस होटल अपना हो सकता है। अब तो एक छोटा सा काम करना है। तू कहना क्या चाह रहा है सूरज? अमर, ये फोटो को देख। ये काम तुझे ही करना पड़ेगा अमर, क्योंकि पुलिस में तेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरा है। शाम
तो डर गया था मैं, समझा कोई और। हाँ, मुझसे नहीं डरोगे तो किससे डरोगे तुम? हमारे दिए हुए फ्लैट में, हमारे दिए हुए बिस्तर पे तुम चैन की नींद सो रहे हो, और यहाँ हमारी नींद खराब हो गई है, इसका पता है ना तुमको? पाशा भाई, बात क्या है, समझ में नहीं आई। वो तुम्हारा दोस्त अमर, वो कहाँ है? पाशा भाई, मैंने अमर को, वो लड़का है ना विकी, उसका काम करने के लिए भेजा है। विकी अब तक जिंदा है और आज वो कोर्ट में गवाही देने जाने वाला है। नहीं पाशा भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अमर मेरा दोस्त है, बहुत भरोसे का आदमी है, वो नाकामयाब नहीं होगा। वो नाकामयाब हो चुका है और नाकामयाब होने वाला हमारे धंधे में या तो किसी गटर में पाया जाता है या किसी कचरे के डिब्बे में। पाशा भाई आप बेफिक्र रहिए, उस विकी को कोर्ट में पहुंचने से पहले मैं खुद खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है। पाशा भाई आप अमर को कुछ मत कीजिए। पाशा भाई, तेरी कुंडली आज मुझे कुछ ठीक नजर आ रही है, वरना वो तेरे दोस्त अमर की तो लगता है शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है। ऑल द बेस्ट। दिस इज अर्जेंट, कुतरा साहब को फोन इतला कर दो कि कोर्ट जाने से पहले विक्की अपनी बहन के साथ मंदिर जाएगा और वहाँ पुलिस का बंदोबस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। नहीं तो सब खेत में पानी गिर जाएगा। और इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है कि उनकी जान को खतरा है और हम वहीं जा रहे हैं। ओके, Thank you.
तू यहां क्या कर रहा है? चल अंदर बैठ। कहां गया था रे तू? सूरज मैं तेरा काम नहीं कर सका। किसी मासूम की जान लेना मेरे बस में नहीं है सूरज। अच्छा, किसी की जान बचाने के लिए तू अपनी जान गंवाना चाहता है? जानता है अगर वो लड़का कोर्ट तक पहुंच गया तो क्या होगा? वो पाशा तेरी जान ले लेगा बेवकूफ। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे पाशा कोई खुदा बन गया है। किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है सूरज। दिशा! नहीं, विक्की! आ! भाग दिशा! Please move. No comments. Excuse us. मुझे कुछ नहीं बोलना। No comments. I said no comments. Pull back. Move back. इंस्पेक्टर कोतवाल की सिक्योरिटी क्या? सिक्योरिटी हमारे धंधे में नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, बराबर। इसकी काली जुबान भी सूरज की तरक्की को नहीं रोक सकी। चलो उठ, 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 इसको बैठने दे, उठ। आओ बैठो। आज से पैलेस होटल का असली मालिक तू है। अरे हलवाई को अपनी मिठाई का स्वाद तो मालूम होना ही चाहिए। आज तो शुभ अवसर है। एक काम कर, ये ले, नाक से खींच, सब नक्षत्रों की यात्रा करके आजा, आजा। अरे आज तो तेरा असली जन्मदिन है। आजा, आज तूने हमारी दुनिया में प्रवेश किया है। अमर कैसा है तू? हाँ अमर, ये देख, ये देख क्या है मेरे पास। पैलेस होटल के कागजात। जान, हमें इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। चल मेरे साथ। तूने मुझे धोखा क्यों दिया सूरज? अमर, ऐसी बातें मत किया कर। इसमें धोखा कैसा? मैंने तो तेरा हाथ बटाया है। जिस काम में तू जार से नजर आ रही थी मैंने उसे ठीक कर दिया। तू सब कुछ भूल जा। देख, अपने लिए सब कुछ सही हो रहा है। नहीं सूरज, तू समझता है कि उस मासूम की हत्या में इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? ताज्जुब तो इस बात का है कि उस हादसे को तू अपनी जीत समझ रहा है। यह हमारे लिए कुछ नहीं है सूरज। इससे पहले की तरह दिमाग पूरी तरह इन लोगों की गिरफ्त में आ जाए। सूरज यहां से निकल चल, निकल चल सूरज यहां से। ए राहू, क्यों ग्रहण लगा रहा है मेरे सूरज को? आप हमारे बीच में दखल मत दें, यह हमारा आपस का मामला है। ए! पाशा के घर में कोई भी मामला आपस का नहीं होता, समझा? तू ये समझता है कि मैं नहीं जानता?
तेरी गंदी खोपड़ी के अंदर क्या क्या कुंडलियां पलटी खा रही है। आशा भाई अमर क्यों तू बेकार में लफड़ा कर रहा है यार, देख सारे किए किराए पर पानी भर जाएगा। हाँ जिसे तू किया कराया बोलता है ना सूरज, उसमें जलालत और बुजदिली समझता हूं। अमर अमर मेरी बात सुन अमर, ये अपनी पहली कामयाबी है, कम से कम इसमें तू तो रुकावट मत बन। सूरज मैं तेरी राह में कभी कांटा नहीं बन सकता, मैं तो तेरा साथी हूं, तेरा हमरा, हमने जरूर कोई गलत मोड़ ले लिया। चल निकल चल यहां से। अमर मेरा रिवर्स गियर नहीं लगता है, अब जो भी है यही है। अच्छा ठीक है सूरज। अमर नाटक मत कर, अमर अमर पागल मत बन, वापस आ जाएगा मेरा हाथ नहीं तो मेरा हाथ उड़ जाएगा। पाशा भाई वो पागल है अमर, बचपन है उसमें, मैं उसे बचपन से जानता हूं पाशा भाई, वापस आ जाएगा वो, कहीं नहीं जाएगा। मरने दो जाने दो, आओ आकाश गंगा में नहा लो। हाँ। लगाओ लगाओ सूरज को कुछ दिनों के लिए लंदन भेज दो, वरना पुलिस उसको परेशान करेगी, और अमर को ऊपर भेज दो, वरना वो हमें परेशान करेगा। मुझे उसकी खबर रोज चाहिए, समझा तू? जी अच्छा। चलिए जल्दी चलिए। निशा, अब क्या चाहिए? क्या अब भी कोई दुख देना बाकी है? इकलौता भाई था मेरा, जैसा भी था जी रहा था। पर निशा मेरी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती अमर, प्लीज। सहारा तो दे ना सके, जिंदगी भर का गम दे दिया आपने मुझे। निशा प्लीज मेरी निशा, शो शुरू होने वाला है, जल्दी जाओ।
आप ठीक तो है ना? ए, खबरदार जो इसे हाथ लगाया। मैं फोन पे बात नहीं करूंगी तो वो खुद यहां टपकेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन काम की बात करना, कोई होशियारी की तो। ये पिस्तौल रख लीजिए, तुम्हारे हाथ में अजीब लगता है। टीनाज रॉड्रिक्स। हाँ रॉड्रिक्स, क्या बात है? एक जर्मन पार्टी आई है, 3 दिन के लिए गोवा जाना है, कमाई भी बहुत अच्छी। मुश्किल होगा रॉड्रिक्स, मुझे भी एक कमाल का ग्राहक मिला है। पता नहीं वो मेरे साथ कितनी रातें बताना चाहता है, मगर पार्टी ये भी तगड़ी है। अच्छा अच्छा रॉड्रिक्स, मैं एक आध दिन में फोन करती हूँ। बाय। ओके। एक धंधे वाली लड़की की बातें सुनकर हंसी आ रही है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। इन गंभीर हालात में आप इतनी बेफिक्री से हंस रही हैं, इस बात पे मुझे हंसी आ रही है। हमारे पेशे में एक कहावत है, जब मुसीबत टल न सके तो उसका मजा लेना चाहिए। खैर कहिए, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? कीमत देने पर यहां हर चीज मिलती है, तो पहले ये बताइए क्या पियेंगे आप? ब्लैक लेबल? कुछ नहीं शुक्रिया, मैं एक फोन कर सकता हूँ? हेलो, मैं अमर बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। निशा मेरी एक बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि विकी के मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जिन लोगों ने विकी की जान ली, उन लोगों ने तुम्हारी आंखों के सामने मुझ पर हमला किया। पता नहीं तुम्हें मेरी बातों के ऊपर विश्वास हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ निशा, कि जब तक मैं उन सब लोगों को और उनकी जहर से भरी दुनिया को तबाह नहीं कर दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना निशा। कोतवाल। कोतवाल साहब, आपके हमारे रास्ते जरूर अलग हैं, लेकिन आज हमारा मकसद एक ही है। आप यही चाहते हैं ना कि पाशा और उसके ड्रग के कारोबार को खत्म करें? मेरे पास एक ऐसी जानकारी है कोतवाल साहब, जो आपके काम आ सकती है। कौन बोल रहा है? मैं अमर बोल रहा हूँ। अमर, तुम तो पाशा के साथ या अचानक? नहीं नहीं कोतवाल साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। ना तो मैं किसी पे उपकार करना चाहता हूँ और ना ही किसी से विश्वासघात। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त सूरज को उस जहर और जुर्म से भरी दुनिया से बचाना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज हेल्प मी सर। कहाँ से बोल रहे हो? डेल्फिन हाउस, कार्टर रोड। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। देखो तुम्हारी जान को खतरा है तो वहीं रहना, और किसी भी हालत में किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। ओके सर, मैं आता हूँ। ओके, थैंक यू सर। 2 फोन का ₹6 इस डब्बे में डाल देना। अच्छा, ये रहे आपके 6 रुपए। थैंक यू। एक मिनट, कौन है? कौन है? दूध वाला। इस वक्त? अपना तो दिन शाम को शुरू होता है। उसको बोलो नहीं चाहिए, बोलो। भैया आज नहीं चाहिए, कल आना। अच्छा मैम साहब। ओके, अब आ गया चैन। आप चाय कॉफी मत मांगना, मैं नहाने जा।
मैं निशा से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, मैं निशा ही बोल रही हूँ। देखिए, आप मुझे नहीं जानती, मेरा नाम चीना है। आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आप प्लीज फौरन जीटी हॉस्पिटल आ जाइए। मैं अभी आई। लगता है हमारे डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है। What do you think, खान? एक मिनट, बात सुनिए। क्या हुआ अमर को? अमर कैसा है तू? अमर क्या हुआ? किसने गोली चलाई तुझ पर? अमर सब कुछ जान के भी अनजान बन रहा है सूरज। अगर मेरी जान ही लेनी थी तो दोस्त अपने हाथ से गोली चलानी थी, अपने आदमी भेजने की क्या जरूरत थी? अमर, मैं तुझे मारने के लिए अपने आदमी भेजूंगा? मैं तेरी जान लूंगा? मैं तुझ पर गोलियां चलाऊंगा? ये क्या हो गया तुझे अमर? अमर, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं? अमर मुझे बता, किसने चलाई तुझ पर गोली? अमर, किसने गोली चलाई तुझ पर? अमर, गोली? उससे क्यों पूछते हो? जाके पूछो अपने साथियों से। वाह, बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा, अब अमर की जान के पीछे पड़े हो? कमाल के दोस्त हो तुम। चले जाओ यहाँ से। I said get out from here. Where are you there? Get out from here. I said get out from here. Will you go from here? एक मिनट। अमर, तुझे भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना? हाँ अमर, ठीक है, तेरे सर की कसम खाता हूं अमर, उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ऑफिसर प्लीज प्लीज टेक हिम अवे। चलो यहां से। अमर, आई सेड गेट आउट। उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं। जस्ट गेट आउट। अमर चलो, जस्ट मूव आउट। Get out from here. Amar! I said get out from here. मैं बेकसूर हूँ। I said get out from here. Get out. सामंत, तू जानता है ना अमर पर गोली किसने चलाई? सामंत, तू जानता है ना अमर पर गोली किसने चलाई? मुझे बता सामंत, अमर पर गोली किसने चलाई? मुझे बता अमर पर गोली किसने चलाई? शेट्टी ने। कहाँ जा रहे हैं आप? सांप पूजा कर रहे हैं? अंदर नहीं जा सकते आप।
सूरज कैसा तुम आने का दारू पीने का वैरने का स्वामी सत्य मना उन्ना पर नहीं रे नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा मैं कुछ नहीं मैं खाए को मारता रहा मैं तुम अरे मर जाएंगे रे मैं मर जाएंगे मेरे को नहीं रे मेरे को खींचने करे वैंडा वैंडा रे वैंडा वैंड नहीं रे मेरे को नहीं रे मेरे को जाने देकर मेरे को मार कर नहीं रे तुम तो मैं कुछ नहीं कह रहा मैं मेरे को नहीं रे मेरे को बहुत हंसता था विनाश काले विकृत बुद्धि मत मारी गई है सूरज की मृत्यु योग देख रहा हूं मैं उसकी कुंडली में। हेलो तेरे सारे ग्रह राहु केतु की गिरफ्त में है सूरज ये जो ग्रहण लगा है ना वो कुंभ राशि के लिए बहुत भारी है मरने वाला है तू। अबे चुप साले ज्योतिष की औलाद हरामजादे तू मेरी कुंडली क्या बदलेगा मैं मेरी कुंडली खुद लिखता हूँ अपने हाथों से। और एक बात सुन ले पंडित अगर मेरे दोस्त अमर की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो मैं उसकी वही हालत करूंगा जो मैंने उस शेट्टी की है समझे। अष्टमेश जब नीच का मंगल होकर लग्न भाव पे दृष्टि करता है तो अकस्मात मृत्यु होती है। जरा खिड़की के बाहर झांक कर देख में मौत लिखी है। मिस्टर रॉबर्ट यस पैक दो वेयर इज पाशा पाशा खत्म ऊपर आजकल मैं सब कुछ किंग पैक दो अरे गिव बैग यू बास्टर्ड अमर तुम्हें यहां एक गवाह की हैसियत से बुलाया गया है तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझे फोन पर कहा था कि हम दोनों का मकसद पाशा और उसके कारोबार को खत्म करना है पाशा तो नहीं रहा लेकिन उसका कारोबार ठीक वैसे ही चल रहा है और उसे चला रहा है तुम्हारा जिगरी दोस्त सूरज ये कमेटी तुमसे वो जानकारी चाहती है जिससे तुम्हारा हमारा और मुझे पूरी उम्मीद है इनका मकसद पूरा हो जाएगा कोतवाल साहब मैं आपकी मदद करने से इनकार कर सकता हूं
लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, ताकि बिना किसी खून खराबी या बर्बादी के मैं सूरज को वापस ला सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं सुधर सकता हूं तो मेरा दोस्त सूरज भी सुधर सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे नतीजे का इंतजार होगा। ओके, थैंक यू सर। खान, इस फाइल में निशा, मेरी बात सुनो निशा। ये तुमने क्या किया अमर? वादा तो तुमने मुझसे कुछ और किया था। मेरी नियत पे शक मत करो निशा, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। हमारी दुश्मनी किसी एक शख्स से नहीं है, बल्कि उनके गलत असूलों से है। अगर कानून मुझे वक्त की मोहलत दे सकता है तो क्या वही उम्मीद मैं अपने प्यार से नहीं कर सकता? तुम्हें पता नहीं, हफ्ता देने के लिए मेरे घर पे आना पड़ता है। वो तुमसे पहले पाशा था ना, वो मेरे घर पे आया करता था, इन खंडरों में नहीं। यहां क्यों बुलाया मुझे? हाँ, कचरा उठाने वाला, जब दिन भर की मजदूरी के बाद दो वक्त की रोटी तक नहीं कमा पाया तो उसने चोरी की। उसने बहुत बड़ी चोरी की। उसने एक डबल रोटी चुराई। याद आया, मेरे पास तुम्हारी फालतू कहानी सुनने का वक्त नहीं है, समझे? नहीं 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 साहब, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, बस इतनी सी कहानी है और कहानी खत्म। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस चोर को एक बहादुर पुलिस ऑफिसर ने पकड़कर इतना मारा कि वो बेचारा कचरा बीनने वाला मर गया। और उसके बाद उस बेचारे कचरे बीनने वाले की लाश को उसके छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दिया। आपको याद है उस छोटे से बच्चे का अंगूठा भी लगवाया था? हाँ। कुछ याद आया आपको? चुप बैठ, तेरा उसके से क्या मतलब? चल पैसे निकाल, निकाल पैसा। मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे नहीं।
उस कचरे वाले से माफी मांगो। नहीं, नहीं, नहीं। अगर उससे माफी मांगने के लिए तुम्हें उसके पास ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं। मेरे बाबा के पास। बाबा, बाबा, ये साहब तेरे पास माफी मांगने को आ रहा है, इसको माफ कर दे बाबा। हेलो, सुल्तान बोल रहा हूँ, सूरज का फोन। जी एक मिनट, एक मिनट। सुल्तान का फोन है, सुल्तान। हेलो, मुबारक हो, पाशा के बाद कारोबार तुम अच्छा चला रहे हो। शुक्रिया। बस एक ही अड़चन है, तुम्हारा दोस्त अमर। सुल्तान साहब, आप अमर की फिक्र मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है आज रात को वो मेरी पार्टी में आएगा और आज रात ही को सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तुम जानो। जी सूरज। जी कैसे तुम्हें पहुंचाएंगे। शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन था कि आज तू जरूर आएगा। अमर, अमर, दिल से गले मिल मुझसे। कहीं तू अभी तक नाराज तो नहीं है मुझसे? नाराजगी तो अपनों से होती है सूरज। क्या मैं पराया हूं? अफसोस इसी बात का है कि तू पराया हो गया, भटक गया तू। इसलिए तुझे खबरदार करने आया हूं, वरना 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 पछताएगा। चिकना, तू ठीक बोलता था, तू पुलिस से मिल चुका है ना? नहीं सूरज, नहीं। हाँ, पुलिस से मिल चुका है तू। दुश्मनों ने तो दुश्मनी
सब कुछ समझा जाता है, दौलत ही को जब सब कुछ समझा जाता है तो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। ओ अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तू इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आजा अमर। समझ गया चिकना। ए, मुझको अमर से अकेले में बात करना है। सबको जाने को बोल, सबको जाने को बोल। मुंह क्या देखता है, चलिए जाओ प्लीज। जाओ जाओ अमर। अब मैं अकेला हूं अमर, अब मैं अकेला हूं। आजा। क्या से क्या हो गया तू? क्या हाल बना रखा है तूने अपना? सब तेरी वजह से। तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया, इन दरिंदों के बीच में अकेला छोड़कर चला गया। देख अमर, अब पाशा भी नहीं रहा, मार डाला उसको मैंने। याद है मैंने कहा था एक दिन मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बन गया। अमर अमर सब कुछ है मेरे पास, देखना तू, सब कुछ है, सिर्फ तू नहीं है। बोल क्या चाहता है तू, बोल। सब कुछ तेरा है, जैसा तू बोलेगा वैसा ये धंधा करेंगे अपन। लेकिन तू मेरे पास आ जा अमर, तू मेरे पास आ जा, आ जा अमर। ठीक है सूरज, मैं वापस आ जाता हूं। लेकिन करेंगे क्या, हाँ यही कारोबार, जहर बेच के लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेंगे सूरज, यही ना? हाँ यही। तो क्या हुआ, हमारी परवाह की थी किसी ने? याद है ना, पापा को एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते के जैसा मार दिए थे वो लोग, एक एक निवाले के लिए तरस गए थे हम लोग। ये सब याद आता है तो बहुत डर लगता है। याद नहीं क्या तेरे को?
इसी मकाम पर पहुंचने के लिए हम दोनों एक साथ निकले थे। आप कैसे छोड़ दो ये सब? क्यों छोड़ दो ये सब यार? मैं नहीं छोड़ूंगा। तू जानता है मेरा रिवर्स गियर नहीं लगता है रिवर्स गियर। तो फिर अपने रास्ते अलग हैं सूरज। मुबारक हो तुझे इस जहर से भरी दुनिया। जा रहा हूं मैं, और अगर आज मैं यहां से अकेला गया ना, तो इस दुनिया के साथ साथ तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। ये तू नहीं बोल रहा है, ये कोई और बोल रहा है। मैं जानता हूं ये वो लड़की बोल रही है ना। निशा को बीच में मत लाना सूरज। अरे चाल निशा निशा करता है, वही तो है झगड़े की जड़। उसी ने तो हमारे बीच में फूट डाला है, हमारी दोस्ती को नजर लगाई है। कमीनी ने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया है। खबरदार जो उसका नाम ले लिया। चाल क्या 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 करेगा तू? हाँ क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? ले मार मार मार। ए, समझ गया। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच में नहीं है, ये लड़ाई मेरे और उस लड़की के बीच में है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं उस लड़की को मार डालूंगा, अमर उसको मार डालूंगा मैं। सूरज मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, अगर तूने उसे छुआ भी ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और हां, अगर 24 घंटे तक तू मेरे पास वापस नहीं आए ना, तो तू जानता है मैं क्या करूंगा। अमर अच्छा हुआ निशा तुम जल्दी आ गई। तुम्हें आज ही रात यहां से जाना होगा। कहां? उसका भी इंतजाम हो गया है। मगर क्यों? मैं कहीं नहीं जा रही हूं। निशा तुम नहीं जानती कि आज मेरे और सूरज के बीच क्या हुआ है। जो इंसान हमेशा मेरी बात सुनता था मानता था, आज कोकेन के नशे में हैवान बन गया है। वो समझता है उसके और मेरे बीच में जो फासला पैदा हुआ है निशा, उसकी वजह तुम हो। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए निशा तुम्हारी जान भी ले सकता है। वाह, उसने मौत की धमकी दे दी और तुमने मेरी जिंदगी का फैसला कर लिया। एक बात तुम भी सुन लो अमर, ये लड़ाई तुमने मेरी वजह से शुरू की थी, इसलिए मेरा भी यहां रहना उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा। कुछ भी हो जाए, जीऊंगी या मरूंगी तुम्हारे साथ। देखो निशा, तुम्हारा मेरा ऐसा रिश्ता भी नहीं है कि जिंदगी भर तुम मेरा हाथ पकड़ के चलती रहो। ठीक कहते हैं लोग, जिस रिश्ते को नाम ना दो तो वो रिश्ता कोई माने नहीं रखता है। आखिर क्या लगती हूं मैं तुम्हारी? तुम तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे हो, मुझ पर रहम खाकर। निशा आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आज अभी इसी वक्त। निशा तो शादी कर लिया मैंने। जिसने साथ जीने मरने का वादा किया था, उसने अपनी जान को शादी तक में नहीं बुलाया। वो भूल गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे तो सब कुछ याद है। मैं क्या करूं उसे? क्या करूं? इस तरह तो सूरज पागल हो जाएगा पागल। 30 घंटे हो गए उसे शराब और कोकीन के नशे में पड़े हुए। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसका तो एक ही इलाज है, उस औरत को ही मार दो जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां हुई हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन ये काम सूरज के होश में आने से पहले हो जाना चाहिए। हुँ।
congratulations. Thanks. Wishing you a long and happy marriage. Thanks a lot, Tina. Oh, wow. It's beautiful. तुमने इसे क्यों उतार दिया? पहने रखना था ना? तुम्हारे लिए उतारा है। सुना है कि अगर कोई कुमारी लड़की शादी का जोड़ा पहने, तो उसकी भी जल्दी से शादी हो जाती है। मेरी शादी? हाँ, क्यों नहीं? पहन के देख लो ना इसे। ना बाबा ना। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे कहाँ चलती हो? अमर खाना लेने गया है, खाना खा के ही जाना। नहीं, अब पहनो भी इसे। It's an order. Come on, तुम ये पहनो। और ये मैं पहनती हूँ। चलो। ओके। जाओ ना। दुल्हन देख रहे हो? गोली बिल्कुल 2 फीट की दूरी से चलाना, ताकि वो किसी भी कीमत पे जिंदा ना बच सके। जाओ। नहीं नहीं जाओ। टीना, प्लीज। एमिजा। ओके लाला। जोड़ लिया। वाव, लुकिंग ब्यूटीफुल। अमर आ गया। एक मिनट। Yes? सूरज, अगर आज तू नशे में नहीं होता ना, तो मैं तुझे जान से मार देता। हरामजादे, तूने एक बेकसूर इंसान की जान ले ली। आज के बाद अब तू अपनी जान बचा। जान प्यारी है, यहां से 5 मिनट में निकल जाए, इसलिए कि इस जगह को मैं आग लगाने वाला हूं।
हम सब मिलके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बर्बाद कर डालेगा वो हम सबको। एक ही मर्द है, एक ही मर्द है शहर में, मेरा दोस्त, तुम लोग छक्के हो, छक्के। चिकला, चिकला इसको देख। ए सामन, सामन तेरा टाइम आ गया सामन, तू ऊपर जाएगा पाशा के पास। सामन, पाशा बुला रहा है तेरे को। हाथ खोल, हाथ खोल। ये माल मुझे दे दे, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। सर एक मिनट, बॉस सुल्तान साहब। हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर तूने अमर को नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूंगा। बेहतर इसी में है, तू अमर को मार डाल, समझा? क्या बोला तू, एक बार फिर से बोलना, बोलना। हे, हाँ, अमर को मार दूं मैं, खत्म कर दूं उसको? हाँ, ए तू पागल हो गया है? सुल्तान तो अपने घर में होगा, समझा? मेरे जीते जी अमर को कौन हाथ लगाता मैं देखता हूं, समझा? तो ये सुन सुल्तान, तू सुल्तान। हेलो, इंस्पेक्टर खान है। खान, कोर्ट ने सूरज को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। अरेस्ट हिम, I want him dead or alive. Yes, sir. जरा भी हिलने की कोशिश की तो भेजा उड़ा दूंगा। I said don't move. चिकना, चल बॉस, तुम जाओ, मैं इसको संभाल लेता हूं।
बॉस तुम जाओ। नहीं चिकना, जाओ। चल मेरे साथ चिकना। जाओ अब जाओ चिकना। कम ऑन। Yes, this is Inspector Khan here. शहर के बाहर कोई भी गाड़ी जाए उसे प्रॉपरली चेक करो। Yes. और हर चेक पोस्ट पर नाकाबंदी लगा दो। Yes, it should be checked properly. और सुनो, गाड़ी का नंबर है MMD 3243। White Embassy कार है। और एक खास बात, उसके पैर पर गोली लगी है। That's it. मजबूर थे
निशान मुझे पता है सूरज कहां मिलेगा। Let's go. Hurry up. Suraj. Suraj. Suraj, main janta hu tu yahan hai. Suraj. सूरज, 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 मेरे भाई मैं आ गया हूं। अमर, सूरज, सूरज, तू ठीक कहता था अमर, मैं गलत था। अमर, मैंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। अमर, मैं यहां से निकलना चाहता हूं, मैं इस नर्क से निकलना चाहता हूं। अमर, तू मुझे बचा सकता है? हाँ, हाँ सूरज, हाँ मेरे भाई, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ सूरज, अच्छाई अभी तक इस दुनिया से मरी नहीं है सूरज। मैंने कोतवाल से बात की है, कानून से मैं तेरे लिए रहम की भीख मांगूंगा सूरज, भीख मांगूंगा। सूरज, सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। अमर, अमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू फिक्र मत कर, मुझे यहां से ले चल अमर। हाँ हाँ सूरज, मैं तुझे यहां से ले जाऊंगा। चल चल मेरे साथ, आजा 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 मेरे भाई, आजा आजा। खबरदार, डोंट मूव। कोतवाल साहब, आप अच्छा हुआ आप आ गए। ये पिस्तौल की जरूरत नहीं पड़ेगी कोतवाल साहब। मैं आपसे कहता था ना कि अगर मैं सुधर सकता हूं तो मेरा दोस्त भी सुधर सकता है। ये अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता है। अब आपके ऊपर है कोतवाल साहब कि इसे कम से कम सजा दिलवाएं। कोतवाल साहब की गाड़ी? तुम्हें गलत फहमी है अमर, शायद सूरज ने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। क्यों सूरज, टेलीफोन पर मेरी आवाज इतनी बदल जाती है क्या? सुल्तान? हाँ मैं ही हूं सुल्तान। हाँ सूरज, मैं ही हूं सुल्तान, जो कोतवाल बनकर सिर्फ पुलिस फोर्स को ही नहीं बल्कि अपने असिस्टेंट खान को भी बेवकूफ बनाता रहा। चलो, और मैं कतई नहीं चाहता कि सूरज अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि जो कारोबार मेरी हुकूमत से चलता है उसके बारे में सूरज बहुत कुछ जानता है। इसलिए बेहतर यही होगा
किसी मौत के हवाले कर दिया जाए। सूरज स्टॉप, बेवकूफी की हरकत मत करना, क्योंकि तुम उतने चालाक हो नहीं अमर जितना अपने आप को समझते हो, नहीं तो पाशा से अलग होने के बाद फोन पर तुम मुझे अपना पता ना बताते। ये तो तुम्हारी कुंडली अच्छी थी कि मेरे भेजे हुए पोस्टमैन के हाथों तुम बच गए। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो तुम्हें तुम्हारे साथी के पास भेज दूं। सूरज, सूरज आ मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूं। अच्छा। मेरी जान बचाने के लिए तूने ये क्या कर दिया? बोल, बोल, यारी बड़ी की जान। मेरा एक काम करेगा? करूंगा। मेरी सारी दौलत उन मासूम लोगों के इलाज में लगा देना जिनकी खुशियां मैं नहीं छीनी है। बोल, करेगा ना? ए, बोलना। करूंगा। बस 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 बस। सूरज, 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 आज मैंने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा किया है। काश वो हमारे साथ होता तो आज ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता। लगता है ऊपर वाले ने मेरी मुराद पूरी कर दी है। वो देखो क्या। कुछ नहीं, कुछ नहीं।
लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अमर, ऑल द बेस्ट। यारा ना यार का न कभी छूटेगा, यारा ना यार का न कभी छूटेगा, तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा, यारा ना यार का ना कभी छूटेगा। पसीना तेरा मैं तो हूँ बहा,